राम राम किसान भाइयों मैं रुमता हूँ आप देख रहे हैं एक एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल किसान भाइयों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में लास्ट स्प्रे कब और क्या करें ये जानने से पहले पिछली वीडियो के दो कमेंट हम ले लेते हैं तो पहला जो कमेंट लिया है हमने रोहित पांडे जी का लिया इन्होंने पूछा है भाई क्या जीरो बावन चौंतीस का स्प्रे सही रहेगा तो रोहित जी इस वीडियो में आपका उत्तर मिल जाएगा और दूसरा जो कमेंट लिया है हमने नीरज सिंह यादव जी का लिया है इन्होंने पूछा है कि सर आलू बुवाई का समय आने वाला है आपसे अनुरोध है कि आलू की खेती पर वीडियो बनाएं तो नीरज यादव जी जो आलू की खेती पर हम वीडियो जल्दी से जल्दी लाने वाले हैं तो किसान मित्रों अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर कि धान की फसल में लास्ट स्प्रे कब और क्या करें ये जानने से पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए आयु चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को भी से लाइक कर दें खेती बाड़ी से संबंधित और मंडी भाव की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं और इस वीडियो को किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो किसान भाइयों धान की फसल में लास्ट स्प्रे धान की गमोद अवस्था के समय या एक दो परसेंट बालियाँ निकलने से पहले कर सकते हैं क्योंकि धान की फसल में गमोद अवस्था के समय तक आते आते कुछ पोषक तत्वों की कमी धान के पौधे में आ जाती है और अगर इस समय हम इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो हमें धान की फसल के खेत से हमें अच्छा उत्पादन मिल जाता है और अगर उन पोषक तत्वों की उस समय हम पूर्ति नहीं करते हैं तो धान की फसल से हमें उत्पादन गिरकर मिलता है तो किसान भाइयों धान में गमोद अवस्था के समय अगर हम एन पी के घुलनशील उर्वरक जीरो बावन चौंतीस का स्प्रे कर देते हैं तो उस समय धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो फास्फोरस और पोटास की होती है अगर उस समय हम फास्फोरस और पोटास का धान की फसल में अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो हमारे धान से हमें अच्छा उत्पादन मिल जाता है अगर हम गमोद अवस्था के समय जीरो बावन चौंतीस के साथ अगर माइक्रोटेस प्रोडक्ट एग्रोमिन गोल्ड को मिलाकर अगर धान की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो और धान की बालियां लंबी और दाना मोटा और चमकीला और वजनदार निकलता है जिससे हमारे धान का जो उत्पादन है हमें अधिक मिलता है किसान मित्रों अगर इनकी मात्रा की हम बात करें तो एन पी के जीरो बावन चौंतीस की मात्रा लगभग छः से सात सौ ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और साथ में एग्रोमेंट ढाई सौ एम प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों को आपस में मिलाकर साथ में गंदी कीट के लिए आप इमीडिया क्लोरोपेट सत्रह पॉइंट तो आठ को सौ एम प्रति एकड़ के हिसाब से डेढ़ सौ से दो सौ लीटर पानी में मिलाकर इन तीनों दवाओं का स्प्रे करते हैं तो आप धान की फसल में जो आप लास्ट स्प्रे करते हैं इन तीनों दवाओं का तो धान की फसल से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें अगर चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें फिर मिलता बताऊँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद